हेलो हेलो भाई, गुड आफ्टरनून सबको। यार बड़े दिनों बाद मैं पब्लिक वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीने हुए होंगे। हाँ, अदरवाइज जो मुझे बोलना होता है मैं मार्केट ऑफर्स में बोलता हूँ, मार्केट के बारे में। 9 बजे के पहले कुछ नहीं, 3:30 के बाद कुछ नहीं, तो वैसा हिसाब किताब रहता है। पर ठीक है, अभी वीकेंड है और लोगों को ऑफिस ऑफिस का टेंशन नहीं होता, टाइम ज़्यादा रहता है। और गर्मी इतनी है यार कि लोग घर में ही होंगे, कहाँ जाएंगे। मैं सोचा कि वीकेंड में ही बनाता हूँ वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो है, देख लेना। मैं खुद ही परेशान हूँ भाई गर्मी से यार। मैं मतलब मेरे लिए मतलब पिछले 10-12 साल से इंडिया से बाहर ही रहा हूँ और मोस्टली कोल्ड कंट्रीज में ही रहा हूँ, तो वहाँ उनके समर्स में मतलब उनके गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर मैक्सिमम 10, 15, 20 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं सकता। तो यहाँ आप सोच सकते हो क्या हालत हो रही होगी। मेरे लिए मतलब बड़ा चेंज है, पिछले साल भी था अभी भी है। और छोटे मोटे एसी से तो भाई काम ही नहीं होता है। देखो मेरा नेचुरल एसी दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ये देखो मेरे घर के बाहर आम का पेड़ है, यही अपना नेचुरल एसी है, यही अपने को ठंडा रखता है। ठीक है, तो ये वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, एक तो मैं रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। आई थिंक लास्ट वीडियो मेरा यील्ड कर्व का था, जो यील्ड कर्व फ्लैट हो रहा है या इन्वर्ट हो रहा है। जनरली इसने ऑलमोस्ट एवरी टाइम एक रिसेशन प्रेडिक्ट किया है, बट रिसेशन की बातें करना है ना और रिसेशन को ट्रेड करना, ये दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो रिसेशन को वही ट्रेड कर सकता है ठीक से जो जिसने पहले रिसेशन देखा हो, उसमें ट्रेड किया हो, भले ही उसमें प्रॉफिट किया हो या लॉस किया हो। ठीक है, मैंने 2008 का रिसेशन देखा है, काफ़ी तगड़ा और बड़े बड़े इंट्राडे स्विंग्स, और तो मुझे उस बेसिस पे मैं बोलता हूँ कि रिसेशन में FNO ट्रेडर्स के लिए 10 गुना 20 गुना 30 गुना भी कैपिटल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वंस इन ए 20 ईयर्स अपॉर्चुनिटी होती है, या वंस इन ए डेकेड, जो कि बहुत कम समय में बहुत बड़े रिटर्न दे जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है ये बड़ा ट्रिकी होता है, ये इतना आसान नहीं है। ये मैंने यील्ड कर्व वाले वीडियो में भी देखा था, मार्केट वही है जहाँ तब था अभी है, हो सकता है 2 महीने बाद भी है। इसको ट्रेड कैसे करना है थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करूंगा। और दूसरा, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, सुनो उसकी जो खुद ट्रेड करता हूँ, है ना, जो खुद लाइव मार्केट में एनालाइज करता हूँ मार्केट को और PNL दिखाता हूँ, है ना। तो चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, तो सुनो उसकी, इसने खुद कुछ उखाड़ा हो, है ना। तो अपना PNL भी दिखा दूंगा मैं। आई थिंक जनवरी में ICICI के साथ मैंने पार्टनरशिप की थी, तो काफ़ी कुछ यूट्यूब मेंबर्स भी उसमें सब्सक्राइब हैं मुझसे, तो उसका मैं PNL दिखा देता हूँ और भी बातें करता हूँ आगे। तो सीधे अपन स्क्रीन पे चलते हैं। और भाई एक बार थोड़ा वीडियो क्वालिटी, एडिटिंग, साउंड वाउंड रहे, बस मतलब बेसिक क्वालिटी रखता हूँ भाई मैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, हेडफोन वेडफोन लगा लेना, कुछ एडिटिंग ये सब मैं करता नहीं हूँ। और ऐसे ही है भाई, मतलब कभी कभी बनियान में भी आ जाता हूँ, फिट बनता हूँ भाई, तो नंगे घूमने में अपने को कोई शर्म नहीं है। अच्छे दिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अरे तो मजाक कर रहा हूँ। बट जो भी है कंटेंट इसमें ट्रेडिंग रिलेटेड, वैसे भी मेरे चैनल पे एकदम रॉ कंटेंट होता है, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, कुछ जैसे मैंने बताया ऐसे ही आ जाता हूँ, बनियान बनियान कुछ वो नहीं है। तो और भगवान की दया से इतना है, बुरे दिन भी नहीं आए कि दिखाना पड़ेगा भाई, मैंने लोगों को दिखाना पड़ेगा मेरी ऑडी देखो, या मैंने कहीं हकूना मटाटा पे एक आइलैंड खरीद लिया है, अब वहां पे मैं डॉल्फिन के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। है ना, तो वो सब जरूरत है नहीं। तो जो है कंटेंट ऐसे रॉ रहता है एकदम, तो देख लेना भाई कुछ। बस मैं इतना कोशिश करता हूँ मेरा मैसेज लोगों तक पहुँच जाए। तो सीधा मैं स्क्रीन पे चलता हूँ। भाई ये मेरा ICICI का अकाउंट है, देख सकते हो मेरा नाम है और आज का डेट टाइम देख सकते हो, है ना।
ये पता नहीं टाइम लैग क्यों है, बट एक्चुअली अभी इतना 4:30 बजने वाला है, 40 डिग्री है टेम्परेचर, तो ये जो भी है शायद लास्ट अपडेटेड होगा। तो इसमें मैं अपना PNL लिखा देता हूँ, एक साल दो साल का कुछ लिखा देता हूँ। ठीक है, अप्रैल 2022, जनवरी 2021, पिछले साल, एक्चुअली पिछले साल बड़ा रिस्क मैनेजमेंट इसमें ही निकला, कुछ ज़्यादा कुछ रिटर्न्स मिले नहीं, और ये अप्रैल 22 ये पीरियड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो अराउंड 38,92,000 ना, ऑलमोस्ट 40 लाख प्रॉफिट है, कुछ पोजीशंस ओपन भी हैं इसमें। तो ये है भाई मेरा इसका PNL, और इसमें मैंने बहुत आई थिंक बहुत दिनों पहले, याद नहीं मुझे एग्जैक्ट कौन सा मंथ, बट जनवरी में या फरवरी में मैंने ICICI के साथ पार्टनरशिप की थी, तो बहुत मेंबर्स ने भी अपना ICICI का PNL दिखाया और जो भी प्रॉफिट लॉस है उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये मेरा PNL है, और इसके आगे का भी देखते रहेंगे। यील्ड कर्व का मैंने यार वीडियो बनाया था, ये रिसेशन का जो है वो देख लेना, बट यही है कि जब भी ये डिफरेंस 10-year बॉन्ड यील्ड्स और 2-year बॉन्ड यील्ड्स का डिफरेंस जब जीरो के आसपास आने लगता है, तो समझो इकोनॉमिक डाउनटर्न एक इंडिकेट करता है बॉन्ड मार्केट फ्यूचर में। तो ये है, अब रिसेशन ट्रेड कैसे करना है क्या है, देखो यार एक ट्रेडर को रिसेशन जैसा इवेंट ट्रेड करने के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो मार्केट की रेंज, मार्केट बहुत वाइल्ड स्विंग्स देता है, 2000-3000 पॉइंट एक 18,000 के इंडेक्स के लिए बड़ी बात नहीं है। तो यार स्क्रीन दिख रही होगी ना, तो 2000-3000 का पॉइंट का रेंज कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रेंज, और दूसरा टाइम। तो बेसिकली आपको ट्रेड करना है सेशन, तो आपको ये दो चीज चाहिए, क्या, एक तो मार्केट की रेंज कि आप 19,000-20,000 तक भी ट्रेड कर सको ऑप्शन, ठीक है, और दूसरा टाइम, मतलब आप नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर या दिसंबर या नेक्स्ट ईयर मार्च या नेक्स्ट ईयर दिसंबर, इन सारे ऑप्शन को आप ट्रेड कर सको, है ना, क्योंकि आप टाइमिंग नहीं कर सकते कि रिसेशन अभी 2 महीने बाद आएगा कि 6 महीने बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा। तो इसीलिए आपका ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। तो ज्यादातर ब्रोकर में ऐसा है कि बहुत सारे स्ट्राइक्स वो डिसेबल करके रखते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, जो भी है, कुछ ब्रोकर सब कुछ अलाउ करते हैं। आप 2023 के ऑप्शन ट्रेड कर लो, आप बैंक निफ्टी अगर 35,000 है, आप 40,000 का ऑप्शन ट्रेड कर लो, लेकिन बहुत ब्रोकर नहीं अलाउ करते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर क्लाइंट बेस या जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हर एक ब्रोकर का अपना प्रॉस एंड कॉन्स होता है। तो ICICI डायरेक्ट का जैसे मैंने बताया, ICICI डायरेक्ट में के भी कुछ प्रॉस है, इसके भी मैंने बताया कुछ कॉन्स भी हैं। इस तरह से बहुत लोगों ने देखा होगा लाइव ट्रेडिंग में, अगर आप आज भी सर्च करो वाइस ट्रेडर लाइव ट्रेडिंग, तो आप देख सकते हो, मैं हमेशा एक ब्रोकर हमेशा यूज करता हूँ, वो है वेंचरा। ठीक है, तो उस समय बहुत लोग मुझे, उन्होंने नाम भी नहीं सुना था वेंचरा का, पूछते कि सर ये क्या है, हमने तो, मतलब इसी में क्यों ट्रेड करते हो आप, ज़ीरोधा क्यों नहीं करते आप, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो उस समय मैं आंसर नहीं देता था। बट इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि वेंचरा में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको 2023 का ऑप्शन ट्रेड करना है आप 2023 ट्रेड करो, आपको जो भी स्ट्राइक चाहिए जितने से दूर तक का NSE में अवेलेबल है वो वेंचर में अवेलेबल है। सो फॉर मी एज अ ट्रेडर हु मैनेजेस लार्ज फंड, मुझे वो रेंज भी चाहिए मार्केट की कि 19,000 तक भी या 20,000 तक भी निफ्टी आए तो मैं अपने आप को अपना रिस्क मैनेज कर सकूं, और दूसरा मुझे टाइम भी चाहिए कि मुझे नेक्स्ट मंथ का नहीं ट्रेड करना, मुझे नेक्स्ट ईयर का करना है ट्रेड, सीधी बात। तो मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी वेंचरा में मिलती है, इसीलिए लोगों ने देखा होगा आपने मेरे ज़्यादातर फंड्स जो होते हैं वो वेंचरा में होते हैं, है ना।
ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक पोस्ट दिखाता हूँ, ये आज से 1 महीने पहले का है। तो आपको पता है मैं मतलब बहुत कुछ कंटेंट सभी मेंबर्स की रिस्ट्रिक्टेड है ना, क्योंकि अभी है बस। तो बट जो भी है आप लोगों को पता होगा, मैं तो ज्यादा देखता नहीं, बट ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा टीम बताती है कि ये मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे। ये 19 अक्टूबर का वीडियो है, 19 अक्टूबर 2021, जब 18600 का टॉप बनाया था। तो इस वीडियो में मैंने बोला था कि भाई टॉप बन गया है और इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। तो ये 19 अक्टूबर का है ना, और उसके बाद मैंने फिर फॉलो अप वीडियोस भी कई बनाता रहा। 7 नवंबर का एक वीडियो जिसमें S&P और निफ्टी का कंपैरिजन किया था, पूरा 20 साल का हिस्टोरिकल डेटा लेके। फिर ये 7 फरवरी का वीडियो है जिसमें कि 15800 जा सकता है, ये भी मैंने इस वीडियो में बताया था क्या रीज़न है क्या है, वो देख सकते हो। बट टीम ने बोला कि सर आप फ्री कंटेंट डालते हो तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो बेटर बी मैं क्लोज कम्युनिटी जो भी है। तो सर जो भी है यार, मैं तो मैंने एक इम्पोर्टेंट होगा करके दिया था, मेंबर्स ओनली रखा था। इसमें मैंने वेंचरा के साथ जो पार्टनरशिप की है, क्योंकि बहुत मेंबर्स का ये आ रहा था कि सर जिस तरह से आप ट्रेड कर रहे हो वैसे हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ब्रोकर हमको अलाउ नहीं करता है। तो उन सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वेंचरा मैंने रिकमेंड किया और मैंने उनके साथ पार्टनरशिप भी किया है, क्योंकि ठीक है वैसे उनका पार्टनरशिप का कोई वैसा मॉडल था नहीं, बट रिसेंटली उन्होंने शुरू किया है। तो वेंचरा के साथ पार्टनरशिप मैंने शुरू किया है और मेंबर्स को जो भी है ये ऑप्शन दिया है कि वो इस तरह से, जो मैं मार्केट रेंज की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ, ये सब इश्यूज उनको ना हो, है ना। ये मैंने पब्लिक नहीं किया बिकॉज ऐसी कोई नीड नहीं है कि भाई पार्टनरशिप किस की है ब्रोकर से तो पूरी भीड़ इकट्ठा कर लो। तो ठीक है वो जो लोग कनेक्टेड हैं उनसे, बट अभी बहुत मेरे फॉलोअर्स ऐसे भी हैं जो नहीं है मेंबर्स में, बट मेरे लिए वो उतने ही क्या बोलते हैं, उतने ही क्लोज हैं जितना कि मेंबर्स हैं, है ना। क्योंकि इस जो 2020 में जो रहे हैं मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में, वही समझ सकते हैं क्या बोलते चार। तो ठीक है, अभी मेरा उतना बड़ा फॉलोअर बेस भी नहीं है, आई थिंक सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिला के 1 लाख के आसपास ही, या उससे भी थोड़े कम ही फॉलोअर्स होंगे। उनमें से भी कुछ परसेंटेज आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, जो भी है। तो ठीक है, बात यही है कि जो चीज़ जैसे यील्ड कर गाना गाने लगे लोग, तो इसका कुछ रिजल्ट मिला क्या? दोबारा 18,000 दिखा दिया। तो जो चीज़ सबको पता है, जहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाए वो चीज़ नहीं चलती है मार्केट में। तो थैंकफुली मेरा उतना बड़ा बेस है नहीं कि मैं कुछ भीड़ इकट्ठा कर पाऊँ, बट स्टिल जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं और टाइम को रेंज को प्ले करके रिसेशन को ठीक से ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वेंचरा के साथ मैंने पार्टनरशिप की है तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको उस तरह के रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि जो मेंबर्स हैं उन्हें तो पता ही है मैं किस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ, रिसेशन के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट जो लोग नहीं है मेंबर्स में उनको कैसे बताऊंगा। तो उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बना लिया है, तो जो लोग भी मेरे अंडर रजिस्टर होते हैं उनको मैं उसमें ऐड कर लूंगा। और जो मेरे लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होते हैं, किस तरह से मैं कैलेंडर स्प्रेड कर रहा हूँ, है ना, अगर दिसंबर में आता है रिसेशन या अगर सितंबर में आता है तो मेरी उसमें क्या पोजीशन है, या इस साल नहीं आता है मार्च 2023 तक आता है तो क्या पोजीशन बनाऊंगा, अपना रिस्क कैसे मैनेज करूंगा, कैपिटल एलोकेशन कैसे करूंगा, फंड कैसे मैनेज करूंगा, है ना, वर्स्ट केस के लिए कैसे प्रिपेयर रहूंगा, अपना लॉस कैसे मिनिमाइज करूंगा इन केस रिसेशन नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने का सोच रहा हूँ, सो दैट जो लोग मेंबर्स नहीं भी हैं उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। और भगवान करे मतलब अगर फंसे हुए हैं मार्केट में इतने सालों से तो वो निकल जाए, है ना। तो जो लोग चाहते हो वो रजिस्टर कर लो मेरे अंडर, और जो लोग चाहते हो जिनको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो। फर्क इतना ही है बस कि मेरे अंडर करोगे तो थोड़ा सा फास्ट सपोर्ट मिल जाएगा, मेरी टीम है,
वो मेल करो तो तुरंत रिप्लाई करेंगे, तुरंत उसको एड्रेस करेंगे और वेंचुरा को बोलेंगे, है ना। थोड़ा सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा। दूसरा ऑब्वियसली मेन तो वही है जो नॉलेज है, किस तरह से दूर के ऑप्शंस आप ट्रेड कर सकते हो, कैलेंडर प्ले कर सकते हो, है ना, मनी एलोकेशन, ये सब। तो वो मैं थोड़ा बहुत उसमें शेयर करता रहूंगा वेंचरा में, वेंचरा वाले ग्रुप में। सब कुछ तो मैं नहीं शेयर करने वाला, ऑब्वियसली ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा, बट इतना जरूर कर दूंगा कि बहुत लोग, एटलीस्ट जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, वो कई सालों से अगर फंसे हुए हैं तो वो निकल जाए। ठीक है, तो ये है। और मेरे अंडर रजिस्टर होने के लिए लिंक है, मेरी एक यूनिक लिंक, उसमें रजिस्टर कर लेना, टीम बता देगी। और जो भी है मेल कर देना टीम को, ईमेल डाल देंगे इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोई इशू है कहीं कुछ। ये है कि जब आप रजिस्टर करते हो, अकाउंट ओपन करते हो, उस समय डॉक्यूमेंटेशन, आपके स्टेटमेंट जो भी है, सैलरी स्लिप, फलाना इनकम, बैंक स्टेटमेंट, ये सब बराबर हो तो FNO इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है। तो ठीक से डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना, रिवर्स नहीं रहेगा। तो ये है, चाहो तो कर लेना। और डिस्क्लेमर मैं दे दूं भाई, एज ए पार्टनर जो वेंचरा से मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, वेंचरा से मेरे अंडर जो लोग रजिस्टर करेंगे, एज ए पार्टनर वेंचरा से मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं, हर ब्रोकर के साथ कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते हैं, बट वो बेनिफिट आपको तब मिलते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो। मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि दूर के ऑप्शन, मतलब अगले साल मार्च 2023 या सितंबर 2022 या दिसंबर 2022, इतने दूर के ऑप्शन में आप पोजीशन बना के बैठ जाओ, तो जब आप ट्रेड ही नहीं करोगे तो उतना कुछ खास बेनिफिट तो मिलना नहीं है। इस तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं ब्रोकर से, ब्रोकर का बिजनेस क्या होता है, ब्रोकरेज। तो आप ब्रोकरेज ज्यादा जनरेट करते हो तो ब्रोकर को उसमें प्रॉफिट होता है और जो पार्टनर्स हैं उनको भी कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो मैं आपको वो सब तो नहीं करा रहा कि भाई रोज ही रोज ट्रेड करो, मैं आपको इस तरह से जरूर गाइड करूंगा कि आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहे और उसको कुछ टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर पाओ और आपका वेल्थ बढ़ेगा, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, तो वेंचर अपने आप ग्रो करेगा, एज ए बिजनेस मैं भी अपने आप ग्रो करूंगा। तो ये है, तो मैं आपको जो भी है सही प्योर इंटेंट से मैं गाइड करूंगा, ठीक है। तो एज ए बिजनेस आई विल ऑलवेज डू ऑनेस्ट बिजनेस। तो ये बात से बहुत लोगों को तकलीफ होगी, तो डिस्क्लेमर तो मैंने दे दिया भाई कि इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है बिल्कुल, और जिन लोगों को बट आप ये देखो, आपको वैल्यू मिल रही है क्या, और आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा, हाँ भाई वाइस ट्रेडर से नॉलेज मिल जाएगी, थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा, रिसेशन हम भी ठीक से ट्रेड कर पाएंगे अगर आता है तो आप मेरे अंडर रजिस्टर्ड हो, नहीं हो तो आप डायरेक्ट वेंचर में रजिस्टर्ड हो, वही वो सारे जो ऑप्शन से बेनिफिट्स हैं वो आई थिंक वो लोग आपको भी ओपन करके दे देंगे, बट मेरे थ्रू तो गारंटीड दे ही देंगे क्योंकि यही मेरी उनसे बात हुई है। और वेंचरा से भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि भाई डेली ब्रोकरेज ये वो ये सब मेरा कुछ वो नहीं है, लोगों की ग्रोथ होगी तो बाय डिफॉल्ट ग्रो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ट्रेड करवाना है लोगों से या ब्रोकरेज जनरेट करवाना है, नहीं भाई, लोगों का कैपिटल बढ़ाना है, बाकी सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं। तो ये सेम अंडरस्टैंडिंग उनसे है, ठीक है। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं बहुत बहुत सारे ब्रोकर्स में, ये वेंचरा में नहीं है। तो जो लोग चाहो वो रजिस्टर कर लेना, रजिस्टर करने के बाद ईमेल कर देना टीम को, तो वो लोग आपको जो भी जो मेरा वेंचरा का टेलीग्राम ग्रुप है वो भी मैं लाइव मार्केट में ही मैनेज करता हूँ, उसमें आपको वो ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यही बताना था। और ये देखो, कुछ लोगों ने अपने PNL अपलोड किए हैं, इसमें करते ही रहते हैं, जैसे जैसे लोगों को अपना शेयर करना होता है तो ये भी देख सकते हो। तो दीज आर ऑल द थिंग्स के कुछ यहाँ पे जेन्युइन काम हो रहा है ना, तो लोगों को भी प्रॉफिट हो इस तरह से। देखो, किसी ने 1 जन 2021, 9 मार्च 2022, मतलब पूरा साल भर का दिखाया है ना, पिछले साल का 2021 2022, तो ये चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि मैंने दिखाया जन 21 से 22। बहुत लोग सोचते होंगे यार कि 21 में तो कैसे सरवाइव कर लिया, क्योंकि
मेरा व्यू यही था कि मार्केट बबल में है और बहुत ज्यादा टिकेगा नहीं, मतलब इसका अंत तो बुरा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके शॉर्ट किया। अगर निफ्टी बाय शॉर्ट किया है तो बैंक निफ्टी बाय किया बराबर, उसी का रिजल्ट है कि मैं नेट नेट तो प्रॉफिट में ही हूँ। हालांकि ये है कि आपने मेरे इससे पहले अभी तक प्रॉफिट जितने देखे होंगे वो करोड़ में ही है, करोड़ में ही देखे होंगे। इस बार आपको 40 लाख के आसपास दिख रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज 2021 उतना अच्छा मेरे लिए नहीं रहा, और पूरा साल लगभग रिस्क मैनेज करने में ही निकल गया, और पर्सनली भी मेरे लिए वो साल काफी बुरा था, तो उतने वॉल्यूम में ट्रेड भी नहीं किया। ठीक है यार, यही बोलना था वीडियो में, और कोई भी क्वेरीज है तो मेल कर दो, है ना, टीम को मेल कर दो, वो लोग गाइड कर देंगे, और जो भी जो लिंक है अकाउंट ओपन करने का और मेरे अंडर रजिस्टर करने का, वो भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में दे देगी टीम, तो उसके थ्रू कर लेना, और तो इंश्योर करना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बराबर हो, सो दैट एक बार में अकाउंट ओपन हो जाए। हाँ यार, और भी कुछ कुछ बातें बताई बोली थी टीम ने बोलने को कि अकाउंट ओपनिंग फ्री है तो आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है उसमें, और क्या बोला गया यार, भूल गया यार, कुछ कमेंट पिन कर देंगे है ना, कुछ भूल गया हूँ मैं तो, बट जो भी है आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है उसमें, और जस्ट अकाउंट ओपन करो, हो गया तो मेल कर दो और वेंचर ग्रुप में ऐड हो जाओ, दैट्स इट, बस सिंपल है। ठीक है यार, तो ये मैंने मेंबर्स ओनली तक ही रखा था क्योंकि भीड़ इकट्ठा करने में मैं थोड़ा बिलीव नहीं करता हूँ, बट देन आई ऑल्सो केयर कि जो लोग नहीं है मेंबर्स वो भी आए, और किसी को मैं ब्रोकरेज बढ़ाने या मेरे बेनिफिट के लिए नहीं मोटिवेट कर रहा, तो इसीलिए मैं दूर के ऑप्शंस जो हैं, मतलब रिसेशन कैसे ट्रेड करना है प्योरली उसको बता रहा हूँ, बट स्टिल डिस्क्लेमर, मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है और डेफिनेटली मुझे वेंचरा से कुछ बेनिफिट मिलेंगे। बहुत लोगों को इसमें तकलीफ हो सकती है कि भाई अभी इसने आईसीसी के साथ पार्टनरशिप की, अब ये वेंचरा से कर रहा है, तो हो सकती है भाई तकलीफ, उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं समझ सकता हूँ बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, उन लोगों का सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं होता कि क्या बोलते हैं एक अच्छी लाइफ जी सकें, या जो जिस जैसी वो लाइफ सोचते हैं वैसी जी सकें, तो ऑब्वियसली अगर कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पांच पांच सोर्स ऑफ इनकम हो तो ऑब्वियसली उससे उनको तकलीफ होगी, तो मैं समझ सकता हूँ, बट भाई मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, सब सेम हो, और जो लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं मुझे पता है भाई आप लोग लॉस में हो, आपकी मैं अगर कुछ हेल्प कर सकूं तो अच्छी बात होगी, बट इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि भाई तुम्हारे दो दो तीन तीन चार चार सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो तुम, तो बना रहा हूँ भाई, और मतलब हेडसअप भी दे दूं कि हो सकता है और दो चार सोर्स ऑफ इनकम बना लूँ, भगवान ने दिमाग दिया है थोड़ा तेज दिया है तो इस्तेमाल करता हूँ उसका, लेकिन इतना गारंटी दे सकता हूँ जो भी बिजनेस करूंगा है ना एकदम 100% ऑनेस्टी के साथ करूंगा, उसमें अपनी पूरी मेहनत झोंक दूंगा, उसमें अपना पूरा एफर्ट्स लगाऊंगा, और लोग अगर उससे बेनिफिट हो, मेरी रियल अर्निंग मेरी रियल वेल्थ वही है, लोगों की लाइफ पे कुछ मैं अच्छा इम्पैक्ट डाल सकूं वही मेरी रियल वेल्थ, मेरे पास अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है वेल एंड गुड यार, वेल एंड गुड, बट बस ये है कि ऑनेस्टी से आना चाहिए। और दूसरा, जिन लोगों ने मेरी लाइव ट्रेडिंग देखी है आई थिंक और बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ब्रोकर से मुझे जो मिलता होगा ना पूरे महीने में या पूरे साल में जितना मिलता होगा उतना मैं एक दिन में या एक महीने में ब्रोकर को दे देता हूँ, मेरा खुद का ब्रोकरेज, आप लोगों ने आईसीसी में देखा होगा एक ही दिन में 5-5, 10-10 हज़ार लॉट ट्रेड करता था, तो मतलब दिन का 1-1 लाख ब्रोकरेज कोई बड़ी बात नहीं होती थी, एक दिन का 1 लाख ब्रोकरेज, तो ये था, तो ब्रोकर से जो मिलता है शायद हो सकता है उससे मेरे खुद का ब्रोकरेज जो मैं देता हूँ ब्रोकर को वो थोड़ा कम हो जाए ना, उसमें से थोड़ी कुछ ये हो जाए, हालांकि खैर ये मेरा पर्सनल चॉइस है, जो भी पैसा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम से आता है उसका मुझे क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं,
बट मैं ये सब चैरिटी के नाम पे कुछ स्कैम करना नहीं चाहता, इसलिए प्योर ऑनेस्ट डिस्क्लेमर, मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। जो पैसा आएगा ब्रोकर से मुझे एज ए बेनिफिट, वो मेरी जेब में जाएगा, आप तो ये मान के चलो, सीधी बात है ना। बट जैसा मैंने बोला, आप देखो इसमें आपका क्या वैल्यू है, आपको वैल्यू मिलता है, आप अपना देते हैं ना। ठीक है यार, कुछ क्वेरीज हो तो मेल कर देना और वीडियो क्लोज करता हूँ। बाकी जो लाइव मार्केट में है मेंबर्स यूट्यूब पे, उनके साथ तो डेली रीड करते ही है मार्केट। वेंचरा में मेरा लॉन्ग टर्म का स्ट्रेटेजीज रहा करेगा, और जो आईसीसीआई ग्रुप है, जो आईसीसीआई में वीकली में अच्छा रहता है आईसीसीआई का, तो जो वीकली ट्रेड्स होते हैं, वीकली एक्सपायरी या मंथली, वो मैं आईसीसीआई में करता हूँ। कुछ इसमें जीरो ब्रोकरेज के भी प्लान है, मतलब एक्सपायरी डे पे 2 बजे से 3:30 बजे तक जीरो ब्रोकरेज है। तो जो लोग स्पेशली, मैं अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड करता हूँ एक्सपायरी में, तो मेरे को काफ़ी कुछ उसमें, मतलब जीरो ब्रोकरेज, मतलब कुछ भी नहीं देना। तो वीकली एक्सपायरी में उसमें ट्रेड करता हूँ। तो वीकली स्ट्रेटेजीज क्या हैं, ये मैं अपने आईसीसी टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। वेंचर की मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, और यूट्यूब तो बेस्ट है ही, वहां पे मैं जैसा मार्केट चल रहा है वैसा वैसे रीड करके और मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। बस यही है कि मैं थोड़ा दूसरों की भी सुनता हूँ, तो अगर इस तरह के वीडियोस जो मैं फ्री में बना रहा हूँ, है ना, फ्री में दिए हैं मैंने, मैं ठंड के मौसम में मैं रोज रोज सुबह 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे वीडियो बनाता था, और ये फ्री वीडियोस, मतलब अगर मैं नया होता मार्केट में, मुझे किसी से मिल रहे होते। ये देखो 19 अक्टूबर, इसी दिन टॉप बना है ना, ये 7 फरवरी 1500, इस दिन मुझे याद है 17200 या 17500 ऐसा कुछ था निफ्टी इसी बीच में, और 15800, मतलब 1500 पॉइंट, और ये सब टारगेट था है ना। यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी की है मेंबर्स ने, और अपने पीएनएल भी दिखा है ना। तो ये सब करने के बाद भी यार, अगर टीम बोल रही है कि सर जो है आप मत करो, पब्लिक तो उतनी वैल्यू नहीं है, उल्टा काफी कुछ इस तरह के लोग आ जाते हैं जो कि इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो अगर ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो आई डोंट नो क्या करोगे, पता नहीं। बट मैं थोड़ा टीम की सुनता हूँ, अदरवाइज मैं तो 2020 में मैं सब कुछ पब्लिकली देता ही था। बट थोड़ा सा मुझे भी लगता है यार कि क्वालिटी रखी जाए, है ना, क्वालिटी रखी जाए। जो लोग, कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, तो उनको किस तरह से दूर किया जाए। लेकिन उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग नहीं है मेंबर्स बट स्टिल दे लाइक मी, और जो मेरे से कनेक्टेड हैं, जिनसे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, बट मैं इंश्योर करता हूँ कि भैया भीड़ इकट्ठी ना हो। बहुत लोगों ने देखा होगा कि मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं क्राउड के अगेंस्ट करता हूँ, तो क्राउड मैं ही इकट्ठा कर लूँ तो फिर क्या, फिर मुझे पूरा यूट्यूब और इसी इनकम पे डिपेंड हो जाऊंगा मैं, यूट्यूब और ब्रोकरेज, क्योंकि मैंने खुद ही भीड़ इकट्ठा कर ली है, और जहां भीड़ इकट्ठी हो वहां काम उल्टा होता है। तो मेरी मेन सोर्स इनकम मेरी ट्रेडिंग ही है, और मैं इंश्योर यही करना चाहता हूँ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। मेरे उतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स ये सब नहीं है, और मैं बढ़ाने में कुछ एफर्ट भी नहीं डालता, क्योंकि भीड़ ना रहे वही अच्छा है। बट जितने लोग हैं वो चुपचाप आ जाओ ना, बिना कुछ ज्यादा शोर मचाए हुए, और अगर चलता है अपना रिसेशन आता है तो आई थिंक बहुत, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, आपका सारा जो दुख तकलीफ रही होगी मार्केट में अभी तक, एक झटके में पार हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जैसे मैं बोलता हूँ अमेजोन जो लॉसेस रहे वो इसीलिए, क्योंकि उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे कि वो जो उनके रेवेन्यू अर्निंग्स हैं वो, मतलब नेट नेट उनको लॉस ही रहा। तो इन्फ्लेशन 40 साल बाद जागा है, तो कुछ ना कुछ काम करके तो जाएगा। तो मुझे तो काफी कन्विक्शन है कि ये रिसेशन जरूर आना चाहिए 1-2 साल में, इस तरह से मनी प्रिंटिंग करके जो आर्टिफिशियली बूम की है इकोनॉमी, ये टिकाऊ तो नहीं रहेगी, एक रीसेट होना चाहिए। जितनी मेरी समझ है इकोनॉमिक साइकिल की, और जो मैंने देखा है इसमें 15 सालों में, ठीक
ठीक है, 2008 में मैं ट्रेड किया करता था, तो मैंने तो जैसे मैंने बताया कि मैं खुद बाय द डिप बाय द डिप बाय द डिप और 6 साल फंस गया था, तो उस साइकिल से मैं गुजरा हूँ। तो वही मैं अपना नॉलेज एक्सपीरियंस कैसे मैं आप लोगों को पास ऑन कर सकता हूँ यही मैं बताऊंगा। और वही चैनल्स हैं, यूट्यूब पर है और ICICI ग्रुप है मेरा टेलीग्राम का, और वेंचरा, ये तीन चैनल्स मैं अभी ओपन रखूंगा। तीनों में अलग अलग कंटेंट्स रहेंगे, बट ऑब्वियसली यूट्यूब तो लाइव मार्केट का है ही बेस्ट, ज़्यादातर कंटेंट उसमें ही रहता है। ICICI में वीकली रखूंगा जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज हैं या इंटरडे है, और वेंचरा में मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज रिसेशन, ठीक है। तो वेंचरा ग्रुप बड़ा क्रिटिकल रहेगा क्योंकि सेफली और बहुत बड़े रिटर्न पोजिशनली कैसे निकाल सकते हैं वो मैं कुछ कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि पैसों की बारिश होने वाली है, कुछ सब कुछ मैं नहीं बता पाऊंगा ऑब्वियसली, बट मैं इतना आपको एक रास्ता जरूर दिखा दूंगा, ठीक है। ये पक्की बात है, ठीक है। वीडियो क्लोज करता हूँ, बाय बाय।